लास्ट क्लास में हम ट्रायंगल्स डिस्कस कर रहा था एंड ट्रायंगल्स का सारा थ्योरम्स हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में. एंड वी आर ट्राइंग टू डील विद क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं लास्ट क्लास में. मैं बोला है कि अगर कुछ आप प्रैक्टिस करो और कुछ डाउट्स है तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. किसी को कुछ डाउट्स है जो शेयर करना चाहते हैं? कोई कुछ अगर डाउट शेयर करना चाहता है तो स्क्रीन शेयर करके डाउट शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे हिसाब से देख देता हूं, आप ट्राई कर सकते हैं. बुझा रहा है, सुनाई नहीं देगा कुछ। आप हाँ, मैं कुछ बोल बोल नहीं रहा हूँ बेटा. क्लास सो स्टार्ट करेंगे बेटा आज. अगर कोई अगर डाउट्स पूछना है तो पूछ सकते हैं सबका. इसका मतलब कोई स्टार्ट नहीं किया करना, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, प्रूव दैट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ट्राई करिए बेटा एक क्वेश्चन. इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. सर कांट सी द क्वेश्चन, हाँ सर कांट सी द क्वेश्चन, सर प्लीज जूम इट। यस सर, इट इज बेटर। ए बी सी डी, मान लीजिए ए बी सी डी है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. इफ दैट इज सो, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगनल्स इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ऐसा ऐसा और अच्छा डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं. मान लीजिए ए डी सी डी,
this angle plus this angle is equal to 90 degrees. ऐसा है तो आप प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. कुछ ट्राई कर सकते हैं? कोई ट्राई कर सकता है बेटा ये? मैनी चांस कोई ट्राई कर रहा है क्या? बोल सकते हैं अगर ट्राई कर रहा है तो. इसके लिए मैं एक हिंट देता हूं. देखिए आपको ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्वेश्चन देख के आपको पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन तो लग रहा होगा. तो मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज किया तो ऐसा टर्म्स आएगा स्क्वायर्स का सम. बट पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करना है, इफ यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, आपका बेसिक कंडीशन क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए. बट यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया नहीं है, बट ए प्लस डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज दिया. This angle plus this angle is 90 degrees. So, ऐसा कुछ right angle triangle create कर सकते हैं. The construction is extend AB and DC to meet at a point E. Extend AB and DC to meet at a point. So, अब आप कहीं इस डायग्राम में इतना अच्छा सा दिख नहीं रहे, बट लॉजिकली वन एंगल शुड बी 90 डिग्रीज. विच एंगल शुड बी 90 डिग्रीज? एंगल ई. सर एंगल ई. एंगल ई 90 डिग्रीज होना चाहिए ना, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्रीज है. तो लॉजिकली यहाँ 90 डिग्रीज होना चाहिए, इसलिए मैं अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ नहीं किया. ये वाला डायग्राम बेटर है. इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, देखिए ये ई है तो यहाँ 90 डिग्रीज हो रहे, क्योंकि यहाँ मैं अच्छा सा 60 एक 30 जैसा ड्रॉ किया मैंने. तो दिस इज 90 डिग्रीज. क्लियर? तो इसके बाद वर्किंग जो है आप सोचिए कैसे करिएगा. मैं क्या करता हूं, कुछ नाम दे रहा हूं, लेट दिस बी एक्स. प्रूफ देखिए, अगर कुछ एज्यूम किया तो आपको एक्सप्रेशंस लिखना इजी होगा. लेट ई बी इज इक्वल टू एक्स, बी ए इज इक्वल टू वाई, ओके, ई सी इज इक्वल टू पी, सी डी इज इक्वल टू क्यू. इस लेंथ को पी मानते हैं, इस लेंथ को क्यू मानता हूं. नाउ how many of you can apply Pythagoras theorem in this diagram? First statement kya hai? Chota right angle triangle hai. In triangle BCE. In triangle BCE. Kya bol sakte hai? X square or BC square is equal to X square plus P square. Okay? Clear hai? एंड ए डी स्क्वायर क्या है? देखिए मैं सिंपली यहाँ एल एच एस आर एच एस अलग सा फाइंड करता हूँ. बी ए डी स्क्वायर जो है बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल देखा तो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर.
AD square is equal to x plus y whole square plus b plus q whole square. Clear है? अब ये दोनों को add कर लीजिए. AD square plus BC square is equal to x square, इसमें एक x square आएगा. और ऐसे ही छोड़ दीजिए. x square plus p square plus x plus y का whole square plus p plus q का whole square. So next, what is AC square? AC square के लिए कौन सा triangle लेना है बेटा? इसके लिए triangle मैं ADE लिया हूँ. AC square के लिए कौन सा triangle लेना है? AC square के लिए triangle मैं लेता हूँ triangle AC. AC sir. This is also a right angle triangle. Triangle AC में A C square is equal to x plus y whole square plus p square. And B D square क्या होगा? B D square के लिए triangle B E D लेता हूँ. X square plus p plus q का whole square. तो दोनों को add किया तो A C square plus B D square is equal to x square plus p square plus x plus y का whole square plus p plus q का whole square. So clearly, हाँ क्या है बेटा, इतना clear नहीं दिख रहा है क्या? सर वीडियो नहीं, सर बहुत ज्यादा के वजह से उतना clear नहीं है, hazy आ रहा. अब देखिए कुछ बेटर है. थोड़ा सा बेटर है. हाँ सर ठीक है सर. सर डन सर. ओके दोनों तो सेम आया था ना. तो ये इसका एक्सप्रेशन और इसका एक्सप्रेशन तो सेम है. हेंस ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन में व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग? सो व्हाट इज द क्रूशियल स्टेप हियर? इसमें क्रूशियल स्टेप है ये कंस्ट्रक्शन है. अगर ये वाला आइडिया नहीं आया तो ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो टू क्रिएट अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द क्रिटिकल स्टेप इन दिस क्वेश्चन. सो ये नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन में जाएंगे. सर कंप्लीटेड. कंप्लीटेड सर हो गया सर. हाँ गुड. बाकी लोग का हो गया बेटा? यस सर हो गया. यस सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
अदिति बेटा सुनाई दे रहे हैं? सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर सच द डी लाइज ऑन क्यू आर. पी क्यू का लेंथ ए दिया, पी आर का लेंथ बी, क्यू डी का लेंथ सी, डी आर का लेंथ डी है. प्रूव दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी. देखिए बेटा यहां बोल रहे कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, कोई भी एक ट्रायंगल पी क्यू आर, पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर वेयर डी लाइज ऑन क्यू आर. इसका मतलब यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. इसके बाद दिया है कि पी क्यू का लेंथ को ए मान रहे, पी आर इज अज्यूम्ड एज बी, QD is C, DR is D. Prove that A plus B into A minus B is C plus D into C minus D. So आप कैसे करिएगा? देखिए सिंपल है. पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट तो दिख रहा है, व्हेनेवर यू सी अ राइट एंगल ट्रायंगल योर वर्क इज डन. सो इसको आप एक एच मान लीजिए. लेट पी डी इज इक्वल टू एच. सो व्हाट इज द फर्स्ट रिलेशन? एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. व्हाट इज द सेकंड रिलेशन? एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है. फाइनल स्टेटमेंट में आपको एच नहीं चाहिए. वी डोंट नीड एच. इसका मतलब एच को एलिमिनेट करना है. दोनों इक्वेशन से एच को कैसे एलिमिनेट करिएगा? एक से एक माइनस कर लीजिए. सो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. This implies C plus D into C minus D is equal to A plus B into A minus B. हो गया. Hello. बाकी लोग सुन पा रहे बेटा मेरा आवाज? हाँ सर सुनाई दे रहा. Yes sir. सर अब हमको याद है. हाँ सर. हाँ okay. देखिए बेटा समझ में आया कैसे किया ये? अगला क्वेश्चन में जाएंगे? हाँ सर हो गया समझ में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये निकाल रहा हूं, इसमें तो ज्यादा है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर टू पॉइंट्स on AB such that AD is equal to BE. If DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC, prove that PQ is parallel to AB. This is the question. Sir, after what you have written, please tell. In triangle ABC, D and E are two points on AB such that AD is equal to BE. If DP is parallel to BC and EQ parallel to AC, prove that PQ is parallel to AB.
तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं बेटा इसका? सर पी तो होगा नहीं सर डायग्राम में, कहां से आएगा पी? ओके पी नहीं है ना? नहीं नहीं पी दिया है ना बेटा, डीपी इज पैरेलल टू बीसी। देखिए ट्रायंगल दिया है एबीसी। हाँ सर मिल गया, मिल गया। ट्रायंगल एबीसी है, डी एंड डी आर टू पॉइंट्स है, एडी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब यहां से जितना डिस्टेंस है एडी, उतना ही डिस्टेंस यहां से ले रहे हैं आप, समझ रहे? दिस इज सेम एज दिस। अब क्या कर रहे हैं, डीपी इज पैरेलल टू बीसी, इसका मतलब डी से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बीसी का, तो दिस इज पी। एंड ईक्यू इज पैरेलल टू एसी, एसी का जो डायरेक्शन है क्यू का भी वही डायरेक्शन, तो दिस इज क्यू। सो नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन पी क्यू, वॉट एवर लाइन यू गेट हियर, यू हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन पी क्यू, जो पी क्यू लाइन जो है, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज पैरेलल टू ए बी। ये प्रूव करना है आपको। सो मोस्टली कौन सा थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा? सर डन है, गुड। यस सर। सो ऑब्वियसली दिस इज अ क्वेश्चन ऑन विच थ्योरम? थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर दो पैरेलल लाइंस है। यू हैव ड्रॉन अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सो आप थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। Okay, so what is the first statement? देखिए, DP is parallel to BC, right? This implies AD by AB कर लेता हूं, देखिए कोई भी रेशियो आप ले सकते हैं। AD by कौन सा लेंगे, पूरा AD by AB ले लेंगे या which is better? Okay, AD by AB, is equal to AP by AC हो जाएगा, right? देखिए ये parallel है, so AD by total AB is equal to AP by total AC. And second, EQ is parallel to AC, which implies AB parallel line hai. So BQ by BC is equal to BQ by BC is equal to BE by BA. This by this is equal to this by this. First statement, second statement. But AD is equal to BE. A और ये सेम है, AB और BA भी सेम है, which implies BQ by BC is equal to AP by AC. So BQ by BC is equal to AP by AC. So इस तरफ ratio same हो गया, which implies PQ is parallel to AB by converse of BPT. Starting दो theorems जो है, ये basic proportionality theorem का statements है. And because these two are same, these two should be same. अगर ratio same हो गया तो lines automatically parallel हो जाएगा. तो देखिए कुछ दिक्कत है तो बोलिए। कुछ दिक्कत है किसी को? नो सर। सर थ्योरम से क्या बोलता है सर? अगर क्या बोलते हैं दोनों साइड्स, अगर हम लोग एक सेकंड बेटा, एक के बाद एक थ्योरम लगाएंगे,
एक सेकंड, कौन बोल रहे हैं? थोड़ा सा नाम बोलिए सर। वैभव तिवारी। हाँ वैभव बोलिए बेटा। सर ये सर पैरेलल कैसे होता है सर, वो समझ में नहीं आया। देखिए यूजुअली देखिए टेल्स थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर पैरेलल है तो ये रेशियो सेम होता है ना, ये टेल्स थ्योरम है। एंड टेल्स थ्योरम का और भी कॉरोलरीज है, नॉट जस्ट दिस रेशियोस, और भी रेशियो सेम होगा। दिस बाय टोटल दिस इक्वल टू, इस तरफ भी दिस बाय टोटल और दिस बाय टोटल, इस तरफ भी दिस बाय टोटल, ये सारा रेशियो सेम होगा। समझ रहे? एंड कॉन्वर्स ऑफ टेल्स थ्योरम क्या बोलते हैं, इसमें कोई भी दो रेशियो सेम हो गया तो लाइंस पैरेलल हो जाएगा। अब हमको यहां दिया है कि CB by QB is equal to CA by TA। इस तरफ से देखा तो दोनों रेशियोस सेम हो गया, hence ये PQ जो है ये parallel to AB होना चाहिए। वैभव समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। अगर रेशियो सेम हो गया तो लाइंस पैरेलल हो जाएगा, लाइंस पैरेलल है तो रेशियो सेम हो जाएगा। ओके सर, तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नोट कर लिया बेटा? यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। Prove that AX is to AB is equal to 2 minus root 2 is to 2. Sir, second line kya likha hua hai sir question ka? Second line. A parallel hai beta, parallel. Okay sir. से एक क्वेश्चन अगर किसी का इंटरेस्ट है तो ट्राई भी कर सकते हैं। द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। Prove that AX is to AB is equal to. Sir, dark हो गया sir, दिख नहीं रहा। हाँ दिखेगा बेटा अभी, अभी दिख रहे? हाँ yes, sir, अब ठीक है। सो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। टू माइनस रूट टू इज टू टू, टू माइनस रूट टू इज टू टू। ओके
इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, मैं फर्स्ट ब्लॉक में मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, आई विल प्रूव दैट द स्मॉल ट्रायंगल एंड द बिग ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर. ये मेरा पहला ब्लॉक है. ट्रायंगल बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी. क्यों बोल सकते हैं बेटा? Can you tell why this is happening? From which? So because the lines equal are proportional, areas. So the sides will be proportional. कौन सा similarity theorem से ये दोनों triangles similar? Sir, A A A. हाँ, A A A. क्यों देखिए? Since given XY parallel to AC, which implies angle BXY is equal to angle BAC, corresponding angles. ये दोनों angles same होना चाहिए. Yes, sir. And angle BYX is equal to angle BCA, corresponding angles. Angle B is equal to angle B. Same. Okay. So by A congruent similarity. Okay. So first block समझ में आया सबको? हाँ सर. हाँ सर. So अगर first block समझ में आया तो next block देखिए. So given that the line is dividing the triangle into two parts of same areas. का मतलब अगर इसका एरिया समथिंग है तो ये एरिया भी सेम है, राइट? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई सी ए. सही है क्या? नहीं, यही दिया क्या या कुछ और दिया है? यही दिया है ना? यस सर. यस सर. हाँ सर. नाउ देखिए, मैं एक थ्योरम यूज करता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी. ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है ना बेटा? तो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो क्या होता है? इट इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ साइड्स. सही है क्या? नहीं. Ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of sides whole square. Clear है? Yes sir. So yes sir. ऊपर छोटा triangle है, नीचे बड़ा triangle है. इस तरह भी sides भी, छोटा triangle का side by बड़ा triangle का side. Clear है? छोटा triangle का side मैं bx लिख सकता हूँ by बड़ा ट्रायंगल का करेस्पॉन्डिंग साइड बीए लिख सकता हूँ. क्लियर है? इसका होल स्क्वायर होना चाहिए. क्लियर? यस सर. तो दिस इंप्लाइज, बट ये रेशियो कितना होता है बेटा? बी एक्स वाई का अगर एरिया कैपिटल ए है तो, या स्मॉल ए है तो, ये ट्रेपीजियम का भी एरिया स्मॉल ए है. इसका मतलब ये टोटल ट्रायंगल का एरिया 2a होना चाहिए. Yes, अगर EXY का a है तो टोटल ट्रायंगल का 2a होना चाहिए. सो ये रेशियो 1/2 हो जाएगा. Is equal to BX by AB भी बोल सकता हूँ, होल स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट किया तो BX by AB is equal to 1/√2. क्लियर है? बट हमको ये नहीं चाहिए. हमको क्या चाहिए? ए एक्स बाई ए बी चाहिए. हमारे पास बी एक्स बाई ए बी है. सो क्या करेंगे हम? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो दीज टू रेशियोस आर सेम. नीचे ए बी तो मुझे ए बी ही चाहिए, बट ऊपर क्या चाहिए मुझे? बी एक्स के प्लेस में ए एक्स चाहिए. तो क्या करेंगे हम?
ए बी माइनस बी एक्स किया तो क्या होगा, ए एक्स हो जाएगा। ए बी माइनस बी एक्स किया तो ए एक्स हो जाएगा। तो ऊपर ए बी माइनस बी एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू, इस तरफ भी सेम करना पड़ेगा। यहाँ क्या किया, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, इस तरफ भी डिनोमिनेटर रूट टू माइनस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। सो दिस इंप्लाइज ए बी माइनस बी एक्स क्या होगा, ए एक्स बाई ए बी। को माइनस नहीं कर सकते, मतलब इक्वेशन को वन से माइनस नहीं कर सकते। क्या है बेटा सर, मतलब वन माइनस बी एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू वन माइनस वन। हाँ वो इफेक्टिवली वही होगा, मतलब कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड का फॉर्मूला का डेरिवेशन वैसा ही होते हैं, ठीक है। वो ही करने को हम कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। सो ए एक्स बाई ए बी इज नथिंग बट रूट टू माइनस वन बाय रूट टू, बट हमको कुछ और दिया, सही है हमारा आंसर या गलत हो गया, कुछ और दिया था ना क्वेश्चन में। हाँ सर, टू माइनस रूट टू। हाँ तो कैसे कैसा आएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दे। हाँ सर, क्या नीचे टू चाहिए ना, यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट टू, तो आपको नीचे टू हो जाएगा, ऊपर टू माइनस रूट टू हो जाएगा। ए एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू टू माइनस रूट टू बाई टू, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो फर्स्ट ब्लॉक में सिमिलैरिटी प्रूव करना है, सेकंड ब्लॉक में सिमिलैरिटी यूज करना है। सर एक कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है सर? सुनिए, ये नोट किया था ना बेटा प्रीवियस वाला सब लोग? Yes, sir. हाँ गुड। देखिए ये कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो क्या है, देखिए एक बार, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए सिंपल एक छोटा सा रूल है विच सेज दैट इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, अगर दो फ्रैक्शंस सेम है, ठीक है, अगर दो फ्रैक्शंस सेम है, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, एक साइड में इस फ्रैक्शन के साथ जो भी लीनियर ऑपरेशन करिएगा एग्जैक्टली वही लीनियर ऑपरेशन राइट साइड भी किया तो इक्वालिटी साइन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब है देन अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो एक तरफ मान लीजिए a प्लस बी बाई बी किया, c प्लस डी बाई डी किया, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा। नॉट जस्ट दिस, तरफ कुछ भी करिए, मान लीजिए a माइनस बी बाई बी है, इस तरफ भी c माइनस डी बाई डी करिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरफ a प्लस बी बाई ए माइनस बी किया, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर पे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इस तरफ भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर पे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करिए, सो दोनों साइड्स सेम हो जाएगा, बोथ द साइड्स विल बी इक्वल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इफ टू फ्रैक्शंस आर सेम, एक फ्रैक्शन का जो ऑपरेशन करते हैं एग्जैक्टली वही ऑपरेशन आप दूसरा साइड भी किया तो द इक्वालिटी विल बी कैरीड फॉरवर्ड, बट ये ऑपरेशंस जो है लीनियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते a प्लस बी स्क्वायर बाय a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस डी स्क्वायर बाय c माइनस डी स्क्वायर, ये वाला काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? स्क्वायर्स आ गए, स्क्वायर्स नहीं आना चाहिए सर, बस लीनियर होगा तभी ये फॉलो होगा। क्या है सर? लीनियर होगा तभी ये फॉलो करेगा। हाँ, लीनियर है तो, एंड इसका डेरिवेशन भी बहुत आराम से कर सकते हैं बेटा, इसमें डेरिवेशन में क्या कुछ है नहीं,
मान लीजिए a by b is equal to c by d है ना, effectively तो मैं plus one कर रहा हूँ। आपका टेक्स्ट बुक में बहुत सारे डेरिवेशंस में ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं प्लस वन करके, तो प्लस वन करने का ही रिजल्ट है ये। प्लस वन किया तो ए प्लस बी बाई बी प्लस बी बाई डी हो जाएगा ना। एक्चुअली तो कुछ नया नहीं है, बट आपको याद रखना है सच दैट स्टेप्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, समझ में आ रहे? So this concept is called the concept of component and dividend. So clear है? Yes sir. Next question में जाएंगे? Yes sir. Note कर लीजिए. Yes sir. Note करो. सर डन सर हो गया सर। हाँ गुड सर डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्राम ऐसा है। So in the given figure, OB is perpendicular. OB is perpendicular bisector of D. FA perpendicular to OB. FA is perpendicular to OB and FE intersects OB at C. Prove that 1 by OA plus 1 by OB is equal to 2 by OC. ये क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट OB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ D। ये DE एक लाइन सेगमेंट है, OB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री भी दिया हुआ है एंड ये दोनों इक्वल भी दिया हुआ है, समझ में आ रहे? नेक्स्ट, FA इज परपेंडिकुलर टू OB। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला एंगल भी परपेंड 90 डिग्री से, एंड एफ ई इंटरसेक्ट्स ए बी एट सी। सो ये 90 डिग्री से यहां, एंड एफ ई इंटरसेक्ट्स ए बी एट सी। यू हैव टू प्रूव दैट 1 बाय ओ ए प्लस 1 बाय ओ बी is equal to 2 by OC. So OA, OB and OC के बीच में relation निकालना है आपको। So कैसे करिएगा, try करिए। इस chapter का last question है, थोड़ा सा difficult हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। So 1 by OA plus 1 by OB is equal to 2 by OC. So किसी का कुछ आइडिया आ रहे हैं क्या करेंगे? एंगल ओ ए एफ और ओ बी डी को सिमिलर करेंगे और
CAF और CBE को सिमिलर प्रूव करेंगे. ठीक है, सही है. सो दो ब्लॉक्स में करेंगे. फर्स्ट ब्लॉक है ट्रायंगल OAF इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBD. कितने लोग को लग रहे हैं ये दोनों सिमिलर है? ये सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं मैं? यस सर, होगा. और सेकेंड ब्लॉक है ट्रायंगल ए सी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ई. ये दोनों कितने लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों सेम से हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट और 90. हाँ, ये भी ए सिमिलरिटी से हो जाएगा. यस सर. Now, because they are similar, मेरा conclusion क्या होगा? देखिए, यहाँ first ये छोटा triangle और बड़ा triangle, so OA by OB is equal to छोटा triangle का side OA, बड़ा triangle का side OB is equal to AF by BD. बोल सकता हूँ? छोटा ट्रायंगल का AF, बड़ा ट्रायंगल का BD. क्लियर है सर? क्यों सर? यस सर. देखिए, मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं. देखिए, ये जो है मेरा छोटा ट्रायंगल है OAF, ये 90 डिग्री से, एंड ये मेरा बड़ा ट्रायंगल है. मेरा बड़ा ट्रायंगल है OBD, ये 90 डिग्री से, दोनों एंगल्स तो सेम है, दोनों सिमिलर तो है. सो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? OA बाई OB इज इक्वल टू AF बाई BD. समझ में आ रहे? सो इस ट्रायंगल में देखिए क्या क्या इक्वल होगा. यहां भी मैं ड्रॉ करता हूं. देखिए, एक ट्रायंगल है ACF, 90 डिग्रीज, क्लियर. दूसरा ट्रायंगल है ऐसा है, ये 90 डिग्रीज. देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. क्लियर है? यस सर. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर. सो दिस इंप्लाइज, देखिए, एसी बाय बीसी, एसी बाय BC is equal to AF by B, right? Yes. So this is the first equation, this is the second equation. But ध्यान दे दीजिए, BD और BE same है, सही है क्या नहीं? But given that BD is equal to BE, क्वेश्चन में कहा दिया है BD इक्वल टू BE? कोई बोल सकते हैं? Where is it given? Perpendicular bisector. Perpendicular bisector. क्वेश्चन में दिया है कि OB is the perpendicular bisector. इसका मतलब क्या है? Divide कर रहा हूँ दोनों को. Equal halves में divide कर रहे हैं. So BD equal to BE है. AF और AF भी same है. So from 1 and 2, OA by OB is equal to AC by BC. सही कि नहीं? AC by BC. क्लियर है? बट हमको जो फाइनल रिलेशन है वो OA, OB, OC में चाहिए. क्लियर है? सो कैसे करेंगे? हम कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे. तो OA by OB is equal to AC को आप क्या लिख सकते हैं? AC can be written as OC minus OA. सही है कि नहीं? ये AC को मैं क्या लिख सकता हूं? OC minus OA लिख सकता हूं. OC minus OA divided by BC को क्या लिख सकता हूं? कोई बोल सकते हैं?
व्हाट कैन आई राइट बीसीएस, ये बीसी को मैं क्या बोल सकता हूँ? ओबी माइनस नथिंग बट ओबी माइनस ओसी, ओबी माइनस ओसी, राइट? समझा? तो लगभग हमारा काम तो हो गया, ओ ये ओबी ओसी में एक एक्सप्रेशन लेके आया, तो मेरा गेस है कि इसी को सिंप्लीफाई करने से ये आ जाना चाहिए। बस सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ओके? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओ ए इंटू ओ बी माइनस ओ ए इंटू ओ सी, ध्यान से ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी माइनस ओ ए इंटू ओ बी। तो ओ ए इंटू ओ बी माइनस है, इस तरफ गया तो टू टाइम्स हो जाएगा, तो टू टाइम्स ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी प्लस ओ ए इंटू ओ सी, दैट इज इक्वल टू ओ सी कॉमन लिया तो ओ ए प्लस ओ बी। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, इस तरफ टू बाई ओ सी है ना, सो टू बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी बाई ओ ए इंटू ओ बी, विच इम्प्लाइज टू बाई ओ सी इज इक्वल टू, आप सेपरेट कर लीजिए, वन बाई ओ बी बाई ओए, ओके? सो हेंस प्रूव्ड, देखिए समझ में आया सबको या कहीं दिक्कत है? सबको समझ में आ रहे हैं या कहीं दिक्कत लग रही है? अगर किसी को दिक्कत लग रहा है तो बोल सकते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। सर सिंप्लीफाई कैसे हुआ सर, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक समझ में आया? हाँ सर वहां तक ठीक है। ये वाला नेक्स्ट स्टेप, ये OA into OB दोनों तरफ है, तो इसको आप इस तरफ लेके जाइए, टू टाइम्स ओ ए इंटू ओ बी हो गया, एंड ओ ए इंटू ओ सी को आप राइट साइड लेके आइए, प्लस हो गया, दोनों में ओ सी है, ओ सी को आप कॉमन ले लीजिए, ओ ए प्लस ओ बी। अब क्वेश्चन में टू बाई ओ सी चाहिए, सो यहाँ टू बाई ओ सी, टू टाइम्स ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू दिस, ओ सी को नीचे लाइए, टू बाई ओ सी इज इक्वल टू ये ओ ए इंटू ओ बी इस तरफ चला जाएगा। इसके बाद कॉमन डिनोमिनेटर है ना, सेपरेट कर लीजिए ऐसा दो पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में ओ ए कैंसिल हो जाएगा, सेकंड पार्ट में ओ बी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहे या? ठीक है, केयरफुली देखिए समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मुझे समझ में नहीं आया बेटा क्या बोले हैं। किसी को कुछ दिक्कत है बेटा? नहीं सर। तो अगर ये समझ में आ गया तो अभी आपका काम शुरू हो गया, दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, तो आप का बुक का क्वेश्चंस जो है वो करना शुरू करना है, ठीक है? तो
लेट अस स्टॉप हियर. आज के लिए क्लास कंप्लीट हो गया. बाय सर. बाय बेटा सबको. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. हाँ बाय बेटा सबको.